अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं जी लाइफस्टाइल। मैं हूँ जी। सेलिब्रेशंस का मौका हो, ईद हो, गैदरिंग हो, पार्टीज हो, फंक्शन हो या बर्थडे सेलिब्रेशंस हो, अक्सर टाइम नहीं होता फेशियल कराने का, तो अर्जेंट फेशियल बेसन से आप कर सकते हैं। घर पे इसके रिजल्ट्स बहुत अच्छे मिलेंगे और स्किन आपकी बहुत क्लियर, स्मूथ, सॉफ्ट हो जाएगी, फेयरनेस आ जाएगी और बहुत ही टाइटन अप भी हो जाएगी। तो चलें स्टार्ट कर लेते हैं वीडियो। अगर चैनल पे न्यू है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा विद द बेल आइकॉन और वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। ये फेशियल मास्क बनाने के लिए आजकल बहुत इजीली बेरीज अवेलेबल हैं और वो हैं स्ट्रॉबेरीज, सबकी फेवरेट होंगी। बहुत ही जूसी होती हैं, विटामिन सी से भरपूर हैं, स्किन को लाइटर टोन करती हैं, फेयरनेस लेके आती हैं, पोर्स मिनिमाइज हो जाएंगे आपके, टाइट हो जाएंगी, स्किन पे बहुत अच्छा रेडियंट लुक भी आता है। इसके साथ एंटी एजिंग होता है, एंटी ऑक्सीडेंट से भरपूर होता है, बहुत से विटामिन होते हैं इसमें जो आपके फेस के लिए, स्किन के लिए बहुत अच्छे हैं। और अगर आप इसको खाते भी हैं तो अंदर से आपके स्किन पे बहुत अच्छा ग्लो भी आता है, स्किन बहुत टाइटन अप होती है, फेयरनेस आती है। तो इसको हम कर लेंगे। एक बड़ी सी स्ट्रॉबेरी मैंने ले ली, आप चाहें तो दो ले सकते हैं। अगर आप चाह रहे हैं कि डार्क एरियाज पे भी लगाना चाह रहे हैं, नेक पे, हैंड्स पे, तो आप ज़्यादा ले सकते हैं। और ये स्ट्रॉबेरीज को आपने ग्रेट कर लेना है। आप चाहें तो इसको आप ब्लेंड कर सकते हैं, मैश कर सकते हैं। हमें बिल्कुल फाइन पेस्ट चाहिए इसलिए मैं इसको ग्रेट कर रही हूँ ताकि बहुत फाइन सी पेस्ट हमारे पास आ जाए। स्ट्रॉबेरीज में होता है विटामिन सी, ये एंटी एजिंग के साथ साथ फाइट बहुत अच्छा करता है एक्ने के लिए। जो आपके पिंपल्स हो रहे हैं, स्कार्स हो रहे हैं, एक्ने मार्क्स आ रहे हैं, उसको रिड्यूस करने में, सूथ करने में बहुत हेल्प करता है। इसके साथ मैं ले रही हूँ इसमें, जिसके मैंने आपको बहुत ज़्यादा बेसन फेस मास्क बता चुकी हूँ, बेसन फेस वॉश के बहुत से वर्जन शेयर कर चुकी हूँ, आप वो देख सकते हैं और इंक्लूड कर सकते हैं अपने स्किन केयर रूटीन में, क्योंकि समर्स आ रहा है तो ये आपको बहुत हेल्प आउट करता है स्किन की इम्प्योरिटीज़ दूर करने में। स्किन पे जो एक्सेसिव ऑयल आ रहा है समर्स में, उसके लिए बेस्ट है। ऑयली स्किन वाले तो इसको अपनी रूटीन में शामिल कर लें। इसके साथ मैं ले रही हूँ मिल्क पाउडर। आप चाहें कोकोनट मिल्क पाउडर ले सकते हैं, आलमंड मिल्क पाउडर ले सकते हैं, या आप सिंपल मिल्क पाउडर इसमें ऐड कर लें, चेहरे पे क्लेंजिंग का भी काम हो सके और अच्छे से हमारे चेहरे को ये क्लियर कर सके, क्लीन कर सके। चेहरे को सूथ करने के लिए, हाइड्रेट करने के लिए मैं इसमें डाल रही हूँ एलोवेरा जेल, जो एक्ने के लिए भी बहुत अच्छा है, स्किन को बहुत अच्छे से सॉफ्ट करेगा, स्मूथ करेगा। और ये हमारे तमाम इंग्रेडिएंट्स हम कर लेंगे मिक्स, और लास्ट इंग्रेडिएंट भी एक इसमें ऐड करेंगे, जो थोड़ी सी स्ट्रॉबेरीज की और जो पाउडर्स हमने ऐड किए उसकी थोड़ी तेज़ी को भी माइल्ड कर देगा और बहुत अच्छे से स्किन को हाइड्रेट करेगा, स्मूथ करेगा, मॉइस्चराइज कर देगा, सॉफ्ट करेगा और आपकी स्किन को बहुत अच्छे से क्लीन करने में, क्लियर करने में हेल्प करेगा। तो मैंने क्वांटिटीज़ ली हैं, ये परफेक्ट है, मैं शेयर कर दी हैं आपसे। तो इसी रेशो में अगर आप लेंगे तो आपका परफेक्ट फेस मास्क बनेगा और अच्छे से मिक्स होगा। आपको लगेगा अभी ड्राई है, लेकिन जब आप इसको अच्छे से मिक्स करेंगे तो आपको बहुत अच्छी सी कंसिस्टेंसी की यहाँ पर फेस मास्क की एक मिक्सचर मिल जाएगा, जो आपको अप्लाई करना है अपने डार्क एरियाज़ पे, फेस पे, नेक पे, हैंड्स पे, कहीं पे भी आप अप्लाई कर सकते हैं। इसमें कोई केमिकल नहीं है, इसमें बहुत अच्छी नेचुरल फ्रेग्रेंस आएगी आपको स्ट्रॉबेरीज की, और जो पाउडर मिल्क है उसकी भी बहुत अच्छी सी कोकोनट मिल्क पाउडर की मुझे फ्रेग्रेंस आ रही है, और इसमें कोई भी केमिकल नहीं है जो इरिटेट करे। अगर आपको स्ट्रॉबेरीज थोड़ी एलर्जिक लग रही हैं तो आप उसकी क्वांटिटी कम कर सकते हैं और इसमें फिर आप रोज़ वाटर ऐड कर सकते हैं, लेकिन ये बिल्कुल इरिटेट नहीं करती क्योंकि क्वांटिटीज ही इतनी हमने ली हैं इसमें। तो आपने इसको अच्छे से कर लेना है मिक्स और बहुत अच्छी सी फाइन सी पेस्ट इसकी बन चुकी है जो अच्छे से अप्लाई हो जाएगा, और हमने कोटिंग भी इसकी बहुत अच्छे से करनी है ताकि मास्क अच्छे से हमारे चेहरे को टाइट करे, हमारे चेहरे पे से जो भी इम्प्योरिटीज़ हो रही हैं उसको दूर कर सके और फेशियल का रिजल्ट हमें मिल सके। ये ब्लैक हेड्स, वाइट हेड्स रिमूव करने के लिए भी बहुत अच्छा है। तो इसके बाद मैं इसमें ऐड कर लिया है आलमंड ऑयल। आप चाहें तो विटामिन ई के कैप्सूल भी दो डाल सकते हैं, और मैंने यहाँ पे आलमंड ऑयल था तो स्वीट आलमंड ऑयल मैंने यहाँ पे डाल लिया है 10 to 12 ड्रॉप्स, और इसको भी मैं अच्छे से मिक्स कर रही हूँ, जो हमारे फेस पैक को माइल्ड कर देगा, इरिटेशन नहीं होगी और सूदिंग हो जाएगा और स्किन बहुत सॉफ्ट हो जाएगी। ये बहुत अच्छा क्लेंजर होता है। समर्स में जब भी आप कोई DIY या रेमेडी ट्राई करने लगे हैं स्किन से रिलेटेड, तो स्पेशली उसको रख लिया करें फ्रिज में। इससे आपका फेस मास्क बहुत कूलिंग इफेक्ट देता है, सूथ करता है आपके चेहरे को। तो मैंने भी इसको रेस्ट दिया है फ्यू मिनट्स के लिए, मैंने फ्रिज में रखा है, तो मास्क बहुत ठंडा और कूलिंग इफेक्ट दे रहा था, इरिटेशन भी आपको नहीं होगी, फेस बहुत अच्छे से स्निप टाइट कर दिया था। तो ये मास्क लगाने के बाद आपको
फेस में खिंचाव फील होगा, जिसकी वजह से आपके पोर्स श्रिंक होंगे, फेस टाइटन अप होगा, आपको यंगर लुक मिलेगी। एंटी एजिंग भी है ये, और इसके साथ आपके चेहरे पे बहुत अच्छा ग्लो भी आ जाएगा। फेस आपकी फेस की जो कलर की टोन है वो बहुत इम्प्रूव होगी, क्योंकि फेयरनेस बहुत अच्छी देता है। व्हाइटनिंग डजंट मैटर, आपकी स्किन क्लियर होनी चाहिए, फेयर होनी चाहिए। जो भी आपके स्किन का टेक्सचर है, कलर है, उसको आपको क्लीन करना है, उसको आपको निखार पैदा करना है ताकि वो हेल्दी लुक करे। तो ये आपके जो भी स्किन टेक्सचर है उसको इम्प्रूव करेगा। एज यू कैन सी द रिजल्ट्स लेफ्ट साइड पे, जो मैंने ये यूज़ किया है उससे क्लियर स्किन हुई है, फेयर स्किन हुई है और सारी इम्प्योरिटीज दूर हो गई हैं। राइट साइड पे आपको जो हैंड नज़र आ रहा है उस पर काफ़ी डलनेस है और स्किन का टेक्सचर टैनिंग बहुत ज़्यादा हो रखी है। फेस वाश वॉश करने के बाद अच्छे से स्किन को मॉइस्चराइज करें और हेल्दी स्किन इंजॉय करें। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, तो फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल। मैं मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में। स्टे ट्यून्ड।